वेलकम टू माय चैनल यो किड्स। हाय, मैं रीना भारती आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। और ये है मेरे दोनों यो किड्स, यामिया और जश। तो आज हम बनाने जा रहे हैं साबूदाना का बड़ा। साबूदाना बड़ा बनाने के लिए हमें साबूदाना चाहिए मीडियम साइज़ का, और इसको सिर्फ आधा या एक घंटे के लिए गलाना पड़ता है। ये मैंने इसको गला दिया है, और पानी सिर्फ इतना रखेंगे जितना ये अब्जॉर्व कर लें, क्योंकि ज़्यादा पानी डालेंगे तो ये ख़राब हो जाएंगे साबूदाने। तो इसमें मैंने सिर्फ इतना पानी डाला है, देखिए आप दिख रहा होगा आपको साइड से, थोड़ा सा ही पानी इसमें दिख रहा है, बाकी ये सारा पानी अब्जॉर्व कर लेंगे अपने अंदर। ये फूल जाएंगे आधे घंटे में, और आधे घंटे के अंदर ही बनाने के लिए हो जाएंगे। मैंने इसको स्टेन कर लिया है। अब हमें बॉईल करे हुए आलू चाहिए। मैंने यहाँ पर 4 आलू लिए हैं, क्योंकि मुझे अभी थोड़े बड़े बनाने थे। मैंने इसको अच्छे से मैश कर लिया है। मैश करने के बाद अब मैं इसमें आपको एक काली मिर्च डालूँगी, ये है कुटी हुई काली मिर्च, और ये इसमें मैंने डाल दिया है। अब नमक लूँगी, नमक को स्वाद अनुसार डाल देंगे इसी के अंदर, आलू के अंदर, और इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। गुठली नहीं छोड़नी है इसके अंदर, अच्छे से मैश कर लेना है। इसके बाद इसमें साबूदाना डालेंगे। साबूदाना डालना है अपने हिसाब से, आलू की क्वांटिटी थोड़ी कम और साबूदाने की थोड़ी ज़्यादा, क्योंकि अगर ज़्यादा साबूदाना डालेंगे, ज़्यादा आलू डालेंगे तो वो फटने लग जाएगा। इसको अच्छे से मैश करके इसके अब गोलियाँ बना लेंगे। जितना बड़ा आपको साबूदाने का बड़ा रखना है, उतना बड़ा आप साइज़ अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मुझे इतना बड़ा करना था तो मैंने इतना ही बड़ा इसको किया है। इसको अपने अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैंने इसको सारी गोलियाँ बनाकर तैयार कर लेते हैं इस तरह से। आप ध्यान रखिएगा, आलू की क्वांटिटी थोड़ी कम रखनी है, साबूदाने की थोड़ी ज़्यादा, वरना ये कढ़ाई में जाने के बाद फट जाते हैं। अब मैंने इस तरह से सारी गोलियाँ तैयार कर ली हैं। अब मेरी सारी गोलियाँ यहाँ पे तैयार हो चुकी हैं, देखिए। अब मैंने तेल गरम करने के लिए रख दूँगी मैं यहाँ पर, ये मेरा तेल है जो हाई फ्लेम पर मैंने पहले इसको गर्म किया है। पहले तेल को हाई फ्लेम पर गर्म करेंगे। मैं फ्लेम आपको शो भी कर देती हूँ कि फ्लेम अभी कितना रहना चाहिए, दिखाते एक सेकेंड। ये देखिए, ये मेरा फ्लेम है, इतना रहना चाहिए। उसके बाद मैंने इसको सिम कर दिया है, ठीक है। अब इसमें मैंने एक एक करके सारे बड़े डाल दिए हैं, और बड़ों को साथ में नहीं चलाना है, थोड़ा सा इसको हो जाने दीजिएगा, नीचे से पक जाने दीजिएगा, वरना ये कचले में चिपकेंगे, ठीक है। मैंने ऊपर से तेल डालना शुरू कर दिया, जिससे ऊपर नीचे से अच्छे से थोड़ा थोड़ा पक जाएंगे। उसके बाद मैं इसको पलटूँगी, क्योंकि जब कच्चा पलटेंगे तो चिपकेंगे ये आपके कचले से। तो ये मेरा, मैंने इसको पलट पलट के गोल्डन ब्राउन कर लिया है। आपको इतना गोल्डन ब्राउन करना ही है। देखिए मेरे साबूदाने बड़े रेडी हो गए हैं, प्लेट भी लगा दी है, और ये सॉस के साथ आप खा सकते हो, हरी चटनी के साथ खा सकते हो, चाय के साथ खा सकते हो। आज बहुत खुशी का दिन है, आज मेरे पापा का रिटायरमेंट है, और इसी खुशी में बैंक में रिटायरमेंट पार्टी भी रखी गई है। यहाँ पर इन सबको जो बच्चे गए थे, इन दोनों भतीजियाँ हैं, जो बच्चे गए थे वो गिफ्ट मिले थे, जिसमें चॉकलेट्स हैं कैडबरी, तो इन सबको चॉकलेट्स के डिब्बे दिए गए थे। ये छोटा डिब्बा मेरी बेटी को गया है, क्योंकि वो वहाँ पे जाते हैं कि सुनने को प्रोवाइड किया जाते हैं, वो सड़क नहीं पहुँची। ये मैम है जो मेरे पापा के बारे में कुछ शब्द बोल रही है, वहीं का ही सबसे ज़्यादा काम किया है। तो मेरा मेरा उनसे जब से मैं आई हूँ, मैं इनसे मिली थी, फर्स्ट डे सभी से मिली थी, इनसे भी मिली थी, पर एक अलग ही अटैचमेंट हो गया सर से। तो मैं तो बस सर के बारे में ही कहना चाहूँगी, महेंद्र जी के बारे में। आज हमको उनका रिटायरमेंट है, उन्होंने जिस तरीके से काम किया, उनकी बहुत सारी ऐसी आदतें थी जो कि मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी। सबसे पहली चीज़ उनकी नियमित जीवन शैली। बहुत दफ़ा कभी हम खाली टाइम होता है, चलो महेंद्र जी के पास जाके बैठ जाते हैं, जब हम देखते हैं उनका रूटीन क्या है, कितने संतोष के साथ वो अपना जीवन जीते हैं, जिसकी आई थिंक आज हम सभी के जीवन में बहुत बड़ी कमी है। संतोष किसी के पास नहीं है, और न नियमित जीवन शैली है, कुछ नहीं, पर आज भी वो मतलब इतने फिट। मैं चाहूँगी कि वो आगे भी ऐसे ही फिट रहे। उन्होंने अपना पूरा जीवन इतने अच्छे से काम किया, तो मैं यही उनसे सीख लेना चाहूँगी, और मैं आशा करती हूँ कि आगे भी उनका जीवन ऐसे ही खुशहाल रहे, उनका परिवार सुखी रहे, और रिटायरमेंट के बाद और वो नई शुरुआत करें, नए नए मौके ढूंढें, और क्योंकि ये एंड नहीं होता, ये शुरुआत होती है एक सेकंड टेन्योर की, एक
नई शुरुआत है ये, तो बस थैंक यू सो मच महेंद्र जी, आपने इतना इतनी हमें सीख दी, हमारे साथ इतना अच्छा बहुत ही प्रेरणादायक रहा इनका जो सानिध्य था मेरे लिए, तो थैंक यू सो मच, मैं बहुत मिस करूंगी आपको मंडे से। थैंक यू, थैंक यू। तो और जो भी जिन लोगों ने भी इनके साथ काम किया है, तो आप बिल्कुल बेझिझक होकर आए और कुछ शब्द कहें, मैं ZM सर से कहना चाहूंगी, सर अगर आप कुछ कहना चाहें तो सर के बारे में। ठीक है, जो भी कोई जिन्होंने भी इनके साथ काम किया है, कोई भी आना चाहे, बिकॉज़ सर प्लीज यू हार्डली स्पीक बोले आज। नहीं नहीं आप कभी भी आइए, वो एकदम इतने एनर्जेटिक रहते हैं, तो कभी भी हमारे इतना काम हो गया आज, अब मन नहीं कर रहा काम करने का, हमेशा इतने एनर्जेटिक है आप, कभी भी आपको 5 बजे भी उनको दीजिए काम, वो खत्म कर भी जाएंगे। और हम आते हैं डेली, सुबह आते हैं, देखते हैं अरे महेंद्र जी, कई बार होता नहीं है महेंद्र जी, अब हम सबको पता है कि नहीं है, लेकिन फिर भी दिन में कोई फाइल निकलवानी है, अरे यार आज महेंद्र जी नहीं है, कैसे काम चलेगा। तो महेंद्र जी के बारे में तो क्या ही कहें, सब जानते ही हैं उनके बारे में, HR का वो इंडिस्पेंसिबल पार्ट है, अनअवॉइडेबल। सबको नाश्ता प्रोवाइड किया जा रहा है, लाइक रियल। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर, थैंक यू, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय ऑल ऑफ यू।